अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अच्छा जी, आज है माशाल्लाह से 27 रजब मुबारक, और आज जो है ना वो सैहरी टाइम हम उठे हैं और रोज़े का जो है ना वो इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पे आंखें आप देख सकते हैं सोए सोए हुए लग रहे हैं। सैहरी का टाइम है और बच्चे जो है ना वो अभी तक सोए हुए हैं। हम उठे हैं, बच्चों ने तो नहीं रोज़ा रखना आज, हमने रोज़ा रखना था। मैंने और लुबना ने, मैं और लुबना बैठे हुए हैं यहाँ पे सैरी टाइम भी करने के कम लिए। है, इसलिए और हम फटाफट से अपना रोजा जो है उसको रखेंगे। क्योंकि जब इन्होंने मुझे उठाया था ना, तब थोड़ा सा मुझे इतनी नींद आई हुई थी, मुझे नींद नहीं आई। रात को 2 बजे मैं सोई हूँ, तो तब मेरा थोड़ा सा वो दिल बेईमान हो गया था कि मैं सोई रहूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मुबारक रात पता नहीं दोबारा जिंदगी में आएगी या नहीं आएगी। वैसे तो रजब के रोजे जो हैं पूरे पहला जो रोज़ा होता है वो भी बहुत फजीलत रखता है, और पूरे महीने के रोज़े जो हैं वो रखने चाहिए, सवाब मिलता है। और अहादीस में भी इस महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इस महीने के रोज़ों की बहुत फजीलत है। तो आज हम लोग पार्लर में ही बैठ गए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि लाइटें वगैरह ऑन करनी पड़ेंगी। बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, तो हम लोग सैलून में बैठ के ही अपना रोज़ा जो है वो रख लेते हैं। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे, और हमें भी अल्लाह ताला रोज़े रखने की तौफीक भी दे, और जो है वो हिम्मत भी दे। जी बिल्कुल। और लुबनान ने अपने लिए पराठा बनाया है। सुबह सुबह रोटी वो खाती नहीं है, और पराठा ही साथ में खाती है लस्सी खाने भी के। बनाई और हुई है ना, इस वजह से हाँ, साथ में चाय भी है। लस्सी का जो है ना वो सुबह सुबह बड़ा मज़ा आता है, और लस्सी पी भी जाती है। पानी नहीं इतना पिया जाता, लेकिन लस्सी जो है ना वो पी जाती है, इसलिए साथ जो है ना वो लस्सी बनाई है। तो अब हम सहरी कर लें, उसके बाद बात करते हैं आपके साथ। अच्छा जी, सहरी करके फ्री हो गए, हम किचन में खड़े हैं। लुबना जो है ना वो बर्तन वगैरह अपने समेट रही थी, और सुबह मैं थोड़ी सी एक बात आपको बता दूँ लुबना की। लुबना की नींद जो है ना ख़राब हो रही थी, सुबह जब उठी है ना तो शैतान बरगला रहा था इसे। पहले सारी रात सोई नहीं है, जब सहरी का टाइम हो गया, रोज़ा रखना था, तो तब जो है ना ये सोने लगी। शैतान इसे पता नहीं क्या बहला, क्या हाँ, लोरी तो दे दे मेरी इसका बात रहा सुने था। ना, इस मौके पे जब हम लोग नमाज़ पढ़ने लगते हैं ना, तो फिर शैतान तो करता ही ऐसे। लेकिन मैंने शैतान को शिकस्त दी है और शिकिस मैं उठी हाँ, हूँ शिकिस दी कैसे है वो, ऐसे शिकिस दी है कि मैं 2 दफ़ा लुबना को जगाया। तो मैंने लुबना को ये कहा, मैंने कहा 45 मिनट रह गए उठ जाओ। तो कहती अच्छा, तो फिर मैंने कहा रोटी नहीं बनानी। तो वो इसे ये लग रहा था कि पता नहीं कम टाइम रह गया, तो ये कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं बाद में। मैंने कहा उठ जाओ, कहती खुद ही तो कह रहे हैं टाइम कम रह गया। मैंने कहा कम नहीं, मैंने कहा 45 मिनट अभी पड़े हुए हैं, अभी उठ जाओ, अभी रोटी तो मैं बन उठ जानी है गई जल्दी ना, जल्दी। फिर मुझे नींद इतनी को आई, इतनी मज़े की नींद आई थी ना, कि मैं कह रही थी जो मर्जी हो जाए मुझे कोई उठाए ना। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, रोज़ा नहीं छोड़ना इंशाल्लाह, क्योंकि शैतान को शिकस्त दे के उठना ही उठना है। फिर रोज़ा रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज़ का टाइम हो गया, हाँ फटाफट माशाल्लाह से जाके नमाज़ बड़ी पढ़ाएं। मज़े हाँ की फीलिंग आ रही है, रमज़ान वाली फीलिंग आ रही है। जी लुबना ने तो घर में नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद में जाना है। मैंने अभी है तकरीबन 20 मिनट पड़े हैं टाइम नमाज के, तो लुबना कह रही थी मैं बर्तन वगैरह समेट लूँ, मैं फिर तब नमाज़ पढ़ूंगी। तो हाँ उसके जी, बाद अब बच्चों को भी जगह उठाएंगे, बच्चों ने भी नमाज़ वगैरह पढ़नी है। बच्चों को तो उठा दिया मैंने। आज कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ हम अपनी इफ्तारी की रूटीन जो है वो भी शेयर करें, लेकिन वो वीडियो बाद में बनेगी, आपको पता है शाम को जाकर इफ्तारी होगी, ये वीडियो पहले अपलोड हो जाएगी। इससे पहले कि हमें मज़ीद लेट हो, हम लोग आप जाएं मस्जिद में और मैं घर में नमाज़ पढ़ती हूँ, तो इंशाल्लाह हमारी नई और रजब की वीडियो। थोड़ी सी इनको बता दो थोड़ा सा रजब के बारे रजब का में। महीना अल्लाह ताला ने फरमाया है, सबको पता होगा, मुसलमान है कि ये अल्लाह अल्लाह ताला ताला का का महीना महीना है। है। तो जो शाबान है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और जो रमज़ान है वो मुसलमानों का महीना है, क्योंकि उसमें मुसलमानों की इबादत और नमाजें जो हैं बहुत ज़्यादा, उनका जो सवाब है वो दुगना हो जाता है। तो एक तरह से एक मुसलमानों का इम्तिहान भी होती है कि उसमें हम लोग चोरी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। वैसे तो पूरा साल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक महीना जो है अगर हम लोग इस चीज़ पे अमल कर ले, तो हमारी एक रूटीन सेट हो जाती है ना। तो भूखा प्यासा रहना अल्लाह ताला की खातिर, ये बहुत बड़ा इंसान का वो होता है, इंसान के सब्र का इम्तिहान होता जी है। आज सुबह जब उठा हो ना, सैरी अपने ही एक यानी कि मज़ा आता है सैरी के टाइम उठने का, एक फीलिंग आती है कि पता नहीं और बड़े मज़े मैंने वाली। माशाल्लाह से पूरी रोटी खा ली है, तो पूरा पराठा खा इस लिया टाइम है हालांकि वैसे भूख नहीं लगती, लेकिन इस टाइम अल्लाह की तरफ से जो है सैरी के टाइम खाई जाती है और इतनी मेरा दिल रोटी। कर रहा है अब हम कल भी रोज़ा रखें, चाहे सुबह को मेरी नहीं। खैर, रोज़े से अल्लाह ताला सब्र दे देते हैं, बस थोड़ी सी वीकनेस होती है।
चलिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह चैनल पर नए हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से हमारे सब्सक्राइब में जाएं, 30,000 पे पहुंचाएं, फिर हम 40,000 की दौड़ पे जाएंगे। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।